किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को, ऊपर वाले खुद आए मेरी नैया पार लगाने को। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को नियुक्त किया। राजा की भी उम्र हो चली थी, पुजारी जी की भी उम्र हो चली थी, और इतने बरसों में एक नियम बना हुआ था कि सुबह सुबह राजा जो थे वो अपने सेवक के साथ में एक माला भिजवाते थे। पुजारी जी उस माला को बिहारी जी को, भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को चढ़ाते थे। उसके बाद में राजा जब दर्शन करने के लिए आते थे तो पुजारी जी वो माला भगवान के मूर्ति में से निकाल करके राजा जी के गले में डाल देते थे। ये परंपरा सी बन गई थी। पुजारी जी बूढ़े हो चले थे, राजा साहब बूढ़े हो चले थे। एक दिन राजा साहब की तबीयत थोड़ी खराब थी, तो उन्होंने सेवक से कहा कि आप ये माला लेकर के जाइए और पंडित जी को, पुजारी जी को कह दीजिएगा कि आज राजा साहब नहीं आएंगे तो प्रतीक्षा ना करें। सेवक वो माला लेकर के गया, पुजारी जी को दी, बात पूरी बताई। पुजारी जी ने वो माला बिहारी जी को चढ़ा दी और उसके बाद में वो ये सोचने लगे कि इतने बरस से परंपरा चली आ रही है लेकिन मैंने कभी भी भगवान जी की जो माला जब उतरती है तो उसे अपने गले में नहीं पहना। शायद ये प्रभु जी की इच्छा है, शायद ऐसा अवसर आया कि आज राजा जी नहीं आएंगे और आज मेरे पास में मौका है। तो परंपरा तो थी कि वो माला तो निकालती थे, उन्होंने वो माला निकाली और खुद पहन ली। इसी सब के बीच में सेवक जो था वो दौड़ते हुए कहने लगा कि राजा साहब को वहां ठीक नहीं लग रहा है, उन्हें तबियत और खराब सी लग रही है, इसलिए वो प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं और वो आ रहे हैं, उनकी सवारी आने वाली है। उन्हें लगा कि शायद ये परंपरा टूट ना जाए, वो तो आ रहे हैं। जैसे ही बात पंडित जी को मालूम चली, उन्होंने फटाफट से वो माला अपने गले में से निकाली और जाकर के वापस भगवान जी को पहना दी, खुद की उतरी हुई माला। घबराहट में तो समझ नहीं पाया क्या करें, डर गए कि राजा साहब जो है दंड दे देंगे। राजा आए और पुजारी जी ने वही जो परंपरा थी उसको निभाया, वो बिहारी जी के गले में से, मूर्ति में से वो माला निकाली और राजा साहब को पहना दी। जब राजा साहब को पहनाई तो उन्होंने देखा कि उस माला में एक सफेद बाल था। राजा ये समझ गया कि ये जो सफेद बाल है ये पुजारी जी का है। पुजारी जी से पूछा कि क्या इस माला को आपने पहना था, सफेद बाल कहां से आया? तो पुजारी जी ने कहा कि डर गए, उन्हें लगा कि सच बोलूंगा तो पता नहीं क्या दंड मिलेगा। उन्होंने कहा ये सफेद बाल तो बिहारी जी का है, भगवान जी का है। राजा को और गुस्सा आ गया, उसने कहा एक तो ये छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। राजा ने कहा अच्छा ये बात, बिहारी जी के कब से सफेद बाल हो गए? ठीक है, मैं कल आता हूं, श्रृंगार के समय आऊंगा और देखूंगा कि उनके बाल सफेद हैं या काले। अगर बाल काले निकले, सफेद नहीं निकले, तो आपको कल ही मृत्युदंड दिया जाएगा, आपने इतना बड़ा छल मेरे साथ में किया है। राजा गुस्से में तमतमाता हुआ चला गया। इधर पंडित जी, पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम करके माफी मांग लगे, कहने लगे मुझे क्षमा कर दो, मैं लोभ में आ गया था, मुझे लगा कि एक बार मुझे भी वो माला पहननी चाहिए, मुझे बचा लो राजा, नहीं तो कल मौत के घाट उतार देंगे। पूरी रात रोते रहे, विनती करते रहे, प्रार्थना करते रहे। अगली सुबह राजा पहुंचा श्रृंगार के समय सुबह सुबह, और बात तय थी, जाकर के वो मुकुट उतारा और बिहारी जी के बाल देखे। राजा चौंक गया, बाल सफेद थे। फिर राजा ने सोचा कि पुजारी जो है कहीं फिर से छल तो नहीं कर रहे, कहीं उन्होंने बाल काले जो थे उनको रंगवा तो नहीं दिया, सफेद तो नहीं कर दिया, तो असली है नकली है, जांचने के लिए वो बाल तोड़ने लगे। और जैसे ही राजा ने बाल तोड़े, मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी। राजा प्रभु के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे, माफ कर दो भगवान। उस मूर्ति में से आवाज आई कि राजा तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति माना, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति हूं, लेकिन पंडित जी ने मुझ में साक्षात भगवान देखे, इसलिए मुझे अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने बालों को सफेद करना पड़ा, खून की धारा बहानी पड़ी ताकि तुम्हें समझा पाऊं। मानना चाहें तो पत्थर में भी भगवान है, भाव बस्य भगवान, जहां भाव हैं वहीं भगवान है। अगर आप वाकई में उनका सुमिरन करते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपके सिर्फ भाव होने चाहिए। ये छोटी सी कहानी लाइफ में इंस्पिरेशन देती है कि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ संभव नहीं है। इसीलिए आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे
आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। एक नई सीरीज मैंने शुरू की जिसका नाम है गीता ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों से क्या सीखा जा सकता है आप देख सकते हैं हर बुधवार सुबह 9:30 बजे। और साथ ही एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज, वहां जाकर के आप मोटिवेशन के अलावा बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं।